ओम साईनाथाय नमः। मैं मिलन श्रीवास्तव कोलकाता से हूँ। मैं साईं बाबा का अनुभव बताना चाहती हूँ। बाबा का कृपा अपरंपार है। मैं बाबा से 2017 से जुड़ी हूँ। ऐसा हुआ कि मैं बहुत बीमार थी, कोई दवा कुछ भी काम नहीं करता था। उसी समय मेरी छोटी बहन जो पटना में रहती है वो बोली कि दीदी आप साईं बाबा का व्रत करें, इससे आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। मैं साईं बाबा का नाम सुनी थी पर उनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तब मेरी छोटी बहन बोली कि गुरुवार को एक पीले कपड़े में 1 रुपये का सिक्का बांधकर बाबा के चरणों में रखकर व्रत का संकल्प लेना। हम वैसे ही किए। उसके बाद मेरे तबीयत में सुधार आने लगा, पर जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ आसपास साईं मंदिर नहीं था और मुझे उद्यापन करना था, पर कैसे करें। तब मेरी बहन बोली कि तुम पटना आ जाओ, यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, बाबा का दर्शन करके उद्यापन कर लेना। मैंने सोचा ठीक है, पर ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था, कारण होली का समय था। फिर बाबा की कृपा से फर्स्ट बार मैं प्लेन से पटना गई, ये भी बाबा का ही कृपा था। उद्यापन के दिन हम दोनों बहन साईं मंदिर गए। वहाँ हम लोग जो प्रसाद घर से अच्छा से बना कर ले गए थे, बाबा को बहुत ही अच्छा से भोग लगा। वहाँ जो पंडित जी थे वे बोले कि द्वारका माई में चल के धूप आहुति कर लो। जब हम लोग द्वारका माई के पास गए तो छोटा अंगीठी जल रहा था, हम लोग उसी पर धूप का आहुति डाले। तीसरे बार मैं एक तेज रोशनी के साथ अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब पंडित जी बोले आपको बाबा स्वीकार कर लिए। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिन था और आज का दिन है, सोते उठते बाबा ही दिखते हैं। वैसे तो मैं माँ दुर्गे का भक्ति करती हूँ, पर बाबा के मिलने से मुझे माँ और गुरु दोनों का प्यार मिलने लगा है। 2017 के बाद से कोई भी मुसीबत मेरे तरफ आते हैं तो माँ और मेरे गुरुदेव साईं बाबा ही संभाल लेते हैं। अभी मेरे भाई को डेंगू हुआ था, बाबा का सच्चरित्र पढ़ते ही उनका तबीयत एकदम ठीक हो गया। मेरा भाई ICU में था पर बाबा की कृपा से वह निरोग हो गया। 2022 में बाबा से मिलने शिरडी भी गई थी, बहुत अच्छा लगा बाबा से मिलकर। चाहे मेरा परिवार का सेहत हो या मेरे बेटे का जॉब, सब बाबा के कृपा से हो गया। अतः मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा जिसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं उसे कोई दुख कष्ट होने नहीं देते, उसका पग पग पर सहारा बनते हैं। मुझे अपने गुरुदेव साईं बाबा पर अटूट विश्वास है। ओम साईं, जय साईं राम।